नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। आज भाजपा कार्यालय चितालंका दंतेवाड़ा में 25 जून आपातकाल काला दिवस के विरोध में भाजपा प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यक्रम के मुख्य वक्ता प्रदेश संगठन से गौतम गोलछा उपस्थित हुए। गौतम गोलछा ने कहा कि वर्ष 1975 में आज ही के दिन इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने पूरे देश में आपातकाल लागू कर लोकतंत्र की हत्या कर दी थी। देशवासियों के मौलिक अधिकार छीन लिए गए, प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई और असंख्य लोगों को जेल में डाल दिया गया था। 21 महीने का यह आपातकाल भारतीय लोकतंत्र का काला अध्याय है। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए वक्ता गौतम गोलछा ने कहा कि कांग्रेस की दमनकारी नीतियों, सत्ता पिपाशा व तानाशाही मानसिकता से 25 जून 1975 को आपातकाल लगाकर भारतीय लोकतंत्र के ऊपर कभी न मिटने वाला धब्बा लगाया गया। रातोंरात लाखों निरअपराध लोगों को जेलों में ठूस दिया, प्रेस की आज़ादी पर ताला लगा दिया, लोगों की अभिव्यक्ति की आज़ादी छीन ली। देश हित में ऊपर एक परिवार एक व्यक्ति के अहंकार को रखा गया। आपातकाल के विरुद्ध लाखों लोगों ने आंदोलन किया था। देश भर में युवाओं, पत्रकारों और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तारियां देनी पड़ी थी। देश आपातकाल के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाले और यातनाएं सहकर कांग्रेस की दमनकारी नीतियों का मुखर विरोध करने वाले लोकतंत्र के सभी प्रहरियों के प्रति अपनी कृतज्ञता समर्पित करता है। आपातकाल के विरुद्ध उठी हर आवाज़ को मैं नमन करता हूँ। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल घोषित कर दिया और उस आपातकाल के माध्यम से लोकतंत्र की हत्या की और देश के संविधान को कलंकित किया। ये आपातकाल लगाने की जरूरत क्यों पड़ी इंदिरा गांधी को? उस समय जो चुनाव हुआ था और रायबरेली से उन्होंने चुनाव लड़ा था, चुनाव लड़ने के बाद जो जय नारायण जी जो उनके खिलाफ लड़े थे चुनाव, तो उन्होंने संसद में कोर्ट में केस दायर किया कि ये गलत तरीके से चुनाव हुआ है और उन्होंने जो गलत सिस्टम से चुनाव जीता है तो उसको खारिज करने के लिए उन्होंने आवेदन किया। जब कोर्ट में जब फैसला आया तो पहले तो कोर्ट में जब उन्होंने केस दायर किया तो जब कांग्रेस लोगों को पता चला तो संजय गांधी ने उनके ऊपर प्रेशर डालकर मजिस्ट्रेट को, मोहनलाल सिन्हा जी थे मजिस्ट्रेट, उनको प्रेशर डालकर कि हमारे पक्ष में ही फैसला आना चाहिए, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्हें पता चल गया था कि मेरे साथ कुछ भी अनहोनी कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने अपने जो टाइपराइटर थे उन्हें छुट्टी पर भेज दिया, घर भेज दिया और उनके साथ जो उनके और कर्मचारी थे उन्होंने भी छुट्टी कर दिया। बाद में जब संजय गांधी वगैरह उनके घर पहुंचे और उन्होंने उनके ऊपर प्रेशर डाला कि ये निर्णय आपको लेना पड़ेगा, ये डिसीजन लेना पड़ेगा, हम जो बोल रहे हैं वो करना पड़ेगा, उन्होंने उस समय कुछ नहीं कहा। लेकिन दूसरे दिन जब कोर्ट ने फैसला दिया तो उन्होंने ये फैसला दिया कि ये गलत तरीके से ही उन्होंने चुनाव जीता है, क्योंकि उस समय कंबल वगैरह शराब वगैरह बांटने का था और एक संत थे उनको भी लड़वाया था 50,000 रुपये देकर, ये सब प्रूफ हो गया था। तो कोर्ट ने वो फैसला लिया, तो जब फैसला लिया उसके बाद इंदिरा गांधी के विरोध में डिसीजन आया तो इंदिरा गांधी को फिर इस्तीफा देना पड़ता क्योंकि उनका जो संसद का सदस्यता समाप्त हो गई थी। तो उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया और चिंतन करने लगे कि अब क्या कर सकते हैं। तो संजय गांधी उन्हें सलाह दिया कि हमें इस्तीफा नहीं देना है और इस बार आपातकाल लगा देना है। और आपातकाल लगाने के बाद उन्होंने ऐसा किया कि सभी कानून को अपने हाथ में ले लिया, यानी राष्ट्रपति शासन लगा दिया और राष्ट्रपति के पास जाकर संजय गांधी ने निवेदन किया कि अभी इसको यहाँ पर आपातकाल लगानी है, लेकिन वो तैयार नहीं हुए राष्ट्रपति, तो उन्हें प्रेशर डाला गया और रात में 3 बजे लगभग उन्हें दस्तखत करवाया गया उसमें। उसके बाद सुबह 26 तारीख को अपने कैबिनेट के साथियों को बुलाकर इंदिरा गांधी ने बताया